तो गाइज अभी हम जा रहे हैं होटल श्राइन व्यू से, हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं ट्रिप के लिए। तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो पूरा हमारा लगेज जहाँ पे ही पड़ा है, तो आपको अभी लगेज पूरा निकालना पड़ेगा हमें, तो अभी चेकआउट करना पड़ेगा। अब श्रीनगर हम जा रहे हैं कैब पे, तो ड्राइवर अंकल आ गए, तो हमें लगेज पूरा पैक करके चलना होगा। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर, तो ये हमारी गाड़ी है, तो मैं आपको बाहर आके गाड़ी का नंबर दिखा दूँगी। अभी कटरा से होटल श्राइन व्यू से हम लोग जा रहे हैं, तो ये नंबर, तो ये पापा है मेरे। तो अभी इसी व्हीकल में हम जाने वाले हैं, डिज़ायर व्हीकल में हम होटल श्राइन व्यू से अभी जा रहे हैं श्रीनगर। तो अभी लगेगा 5 to 5 to 6 hours लगेगा अभी, तो अंदर सब लगेज वगैरह सब लगेज इसमें डिक्की पे है। और अभी हम जा रहे हैं, तो मेरे मम्मा चलिए तो चलेंगे, बताऊंगी मैं और आगे। तो गाइस अभी हम ऑन द वे में हैं, तो ये प्लेस नियर टू बनियाल है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा आपको मिल रहा है, एकदम हर जगह ग्रीनरी। और इधर ट्रक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ट्रक्स का व्हीकल ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि श्रीनगर तक सारे जो गुड्स हैं वो सब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और उधर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है वही यही ट्रक्स के मदद से। तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत सारे हर एक जगह पर हमें ट्रक्स ही ट्रक्स दिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक भी बहुत है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी श्रीनगर जाने का रास्ता में बहुत ज़्यादा ही कुछ ट्रैफिक हो गया, तो यहाँ पे सारा ट्रक्स आप देख सकते हैं, सामने रास्ता भी बंद हो गया। अभी वेट करना पड़ेगा क्लियर, जब तक होएगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। You can see here guys, full crowd, I mean full traffic jam. It is, traffic jam is on the way to Srinagar. So I think it takes little time to start from here again, so we had to stop over here. You can see here, see full traffic jam. So when we start, again I'll be back to you all. Hi guys, today we are going to Srinagar. We are on the way. Actually, we started at 10 o'clock from Kashmir Hotel Shrine boat, and now it's I think 1:35, sharp 1:35. But unfortunately, we have struck over here due to this traffic jam. So this is the view of on the way to Srinagar. Actually, we didn't reach at all. We are on the way, still we have to go. It takes lots of time, I think so. I think due to this traffic jam, we will reach by 10 o'clock. So, you can see the view. This is the view, complete view, on the way to Srinagar. Here in Srinagar, now we don't have any problems, like how previously we used to face problems with the Pakistani people and all. But now we are very free, that's why we are going to Srinagar. So after this traffic jam, again when we will start, I'll be back to you all. So till then, bye bye guys. So guys, ye hamare Srinagar ka tunnel hai, to ye tunnel hame 14 kilometers tak chalega, dekh sakte hain aap Srinagar ka tunnel. तो गाइस ये लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा टनल है, 14 किलोमीटर तक है। तो सोच रहे हो 14 किलोमीटर क्या होते हैं, हमको शायद 10 to 20 minutes लगता होगा ये टनल को पास करने में। तो चलिए देखते हैं फिर। तो गाइस हम श्रीनगर में पहुंच गए, यहाँ पे एक होटल है, तो श्राइन व्यू की तरफ से हम लोग यही होटल में स्टे करने वाले हैं, होटल मोमिन। तो
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम श्रीनगर में, आपको बताइए कि हम लोग एक मोमिन होटल में स्टे करें ओवरनाइट के लिए। तो यही हमारा रूम है। ये रूम जो है डबल कॉटेड है, क्वार्टर है। तो ये पूरा वुड से बना है, जैसे लगता है कि थोड़ा अमेरिकन यूएसए हाउसेस में भी बहुत ज़्यादा अधिकतर मैक्सिमम घर हमें वुड से ही बना हुआ मिलता है। सो श्रीनगर में भी सेम सिमिलर टू दैट, ओनली वैसे ही है, वुड से ही बना है। तो और कुछ इस होटल में और भी कुछ रूम्स हैं, वो ट्रिपल क्वार्टर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आपको पता ही है कि कल रात हमने श्रीनगर में मोमिन होटल में स्टे किया ओवरनाइट के लिए। तो अभी मॉर्निंग हो गया, अभी हमको दूसरा प्लेस में जाना पड़ेगा, गुलमार्ग में जाएंगे हम अभी। तो अब देख सकते हैं, अब मॉर्निंग व्यू है, तो बहुत ज़्यादा नाइट में भी आपको दिखाई है मैं होटल पूरा। और ये होटल पूरा वुड से बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लगता है कि यूएसए में कुछ मैक्सिमम घर वुड से ही बनते हैं। तो श्रीनगर में भी बहुत सारा ये जो हमारे रूम्स है, बहुत ज़्यादा अधिकतर रूम्स है ना, डबल कॉटेड है और ट्रिपल कॉटेड भी है। तो हम लोग डबल कॉटेड रूम में लिए, एक्चुअली पावर ऑफ हो गया तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो गाइज अभी हम श्रीनगर में हमारे होटल से बाहर आ चुके हैं, बहुत ही कुछ ठंडा है। तो अभी हम ये टूरिस्ट पॉइंट 100% प्योर वेज में चाय पीने आए। तो ये मेरे पापा और ये मेरे मम्मी चाय पी रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ ठंडा है। तो पापा अभी चाय पी रहे हैं, तो पापा का मुंह देख सकते हैं आप, बहुत ठंड से बहुत मर गया। अगर कुछ बात किए तो बहुत ही कुछ ठंडा है, तो विदाउट ग्लासेस काम ही नहीं चलेगा, बहुत ठंडा है। सब लोग ग्लासेस के बिना काम ही नहीं चल रहा है, सब लोग जैकेट्स पहने हैं, विदाउट जैकेट्स और विदाउट ग्लासेस काम नहीं चलेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही कुछ ठंडा है। यहाँ पे अभी रेंट के लिए कुछ जैकेट्स भी अवेलेबल है, अगर बाई चांस कोई मिस हो गया तो रेंट के लिए भी है। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही कुछ ठंडा है। तो मॉर्निंग हमारा कार का ग्लासेस बहुत ज़्यादा फॉग से भर चुका है, वाटर ड्रॉपलेट से भर चुका है। अभी अंकल क्लीन कर रहे, ड्राइवर अंकल। अब देखो पापा ठंड से बहुत तर बतर हो जा रहे हैं, इवन मी टू, और मम्मा भी। मम्मा तो बहुत ज़्यादा वार्म हो गई। सो नाउ वी आर मूविंग टू गुलमर्ग, कंप्लीटली फिल्ड विद आइस, सो लेट्स एंजॉय द व्यू ओवर देयर। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो गाइस अभी हम मिडिल ऑफ द वे में हैं, तो आपको पता ही है हम सुबह सुबह गुलमर्ग जा रहे हैं। तो श्रीनगर से एक वन एंड हाफ आवर लगाया इस रोड पे आने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, कितना सुंदर दिख रहा है सुबह सुबह, मॉर्निंग। तो इधर थोड़ा सा आप कैप्चर भी कर सकते हैं, कितना माउंटेंस पूरे एकदम स्नो से भरे हुए, पूरा बर्फ़ एकदम बर्फीली पहाड़ लग रहे हैं, एकदम सही लग रहे हैं बताने के लिए। तो एकदम पूरी बहुत अच्छा नज़र मिल रहा है, हर जगह ग्रीनरी, और इतना भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है। साउंड पोल्यूशन थोड़ा सा तो है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर उसको जस्ट वो बर्फीली पहाड़ देखने से हाय हाय, मन को क्या शांति मिल रही है भाई। देख सकते हैं आप भी उसको, व्यू कर सकते हैं। अभी हम और अच्छा, अगर और नज़दीक जाने से अभी हम उसको और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे आइस को उधर उस साइड बहुत ज़्यादा है। देखिए गाइस उस तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम गुलमर्ग उधर तक जाएंगे और आइस से कांटेक्ट होंगे, ठीक है, उसको टच करेंगे, उसको फील करेंगे। चलो बाय बाय। तो गाइस अभी हम गुलमर्ग के रास्ते में पहुंच गए, और ये रास्ता बहुत ख़राब है गाइस, क्योंकि ये पूरा इधर उधर टिल्टिंग होके जाना पड़ रहा है, तो मेरे को उल्टी की सेंसेशन आ रही है।
तो सारे लोग को वही प्रॉब्लम होती है। तो ये गुलमार्ग के रास्ता देख सकते हैं, इधर से टर्निंग है, फिर वापस उस साइड टर्निंग है, तो एकदम बहुत टर्निंग्स है। तो इस तरफ उस तरफ बहुत टर्निंग की वजह से है ना, थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन आ रही है। बट फाइनली अभी हम एक 10 to 20 मिनट तक चले जाएंगे, अब वहाँ तक गुलमार्ग तक स्टेशन पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। तो गाइस हमें पहले गुलमार्ग स्टेशन पहुँचने के बाद हमें पहला काम करना है कि जैकेट्स वैकेट सब ब्रांड में ले लेना। तो एक जैकेट और एक पेयर ऑफ शूज़ 200 होगा, तो पहले वो ले लेना। फिर अभी उधर तक आइस तक जाने के लिए हमें घोड़े बात करना है, तो वो लोग ज़्यादा बोल देते हैं, एक ही बार हमें बार्गेन करना पड़ेगा। अगर बार्गेन नहीं किए तो वो ऐसे ही वो लोग कॉस्ट ज़्यादा ही बोल देंगे। तो अभी हमको इधर वो लोग मिल जाएंगे, अगर हम बात कर सकते हैं उनके साथ। ओके तो गाइस हम लोग एक घोड़े को बात किए, तो वो अंकल पहले 2500 पर मेम्बर बोले, बट हम लोग ज़्यादा बार्गेन होने के बाद 1500 पे एक्सेप्ट कर लिए पर मेंबर। तो हम लोग 1500 पे घोड़ा ले लिए हैं पर मेंबर के लिए। और हमको घोड़े पे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन में रोपवे बुक नहीं किए। और आपको इधर ये भी एडवांटेज है, आपको रोपवे का भी मिलेगा, बट रोपवे में क्या है कि आपको दो दो पैकेजेस मिलेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह में आपको स्टॉप होना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह पे स्टॉप होने के बाद दूसरा रोपवे लेके फिर वापस पूरा उधर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और घोड़े पे ना थोड़ा सा रास्ता बहुत कठिन होती है, वो पोचूज है, वो घोड़ा नहीं है ना, पोचू है, तो थोड़ा सा कठिन है वो जो पाथ है, बहुत हार्ड है, हर जगह पत्थर ही पत्थर है, थोड़ा डरावना है, थोड़ा सा डर लगता है। बट रोपवे में ना ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधा चले जाते हैं, वो भी बहुत कम समय में चले जाते हैं आप। तो घोड़े पे भी बट जितना मज़ा घोड़े पे जाने से आएगा ना, उतना मज़ा रोपवे पे नहीं आता। और आप चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप वो वाला वही चूज़ कर लीजिए। अगर रोपवे है तो आपको 3 दिन पहले ही आपको रोपवे का बुक करना चाहिए आपको, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप चाहिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, तो आप श्योरली उस लिंक में से आप किधर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस अभी हम फाइनली घोड़े के ऊपर हैं, और ऊपर आप रोपवे देख सकते हैं शायद, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार रोपवे को, दिखा दूंगी अभी। हाँ, इधर देख लीजिए, ये देखिए, ये सारे जो पिलर्स बने हैं ना, वो सारे रोपवे के ही है। तो देखिए उधर एक डिब्बा जा रहा है अभी, ठीक है। बट ये वाले जो रास्ता है घोड़े वाला, वो बहुत हार्ड है गाइस, नीचे देख लीजिए एक बार, एकदम कीचड़ कीचड़, एकदम पत्थर। और छोटे बच्चे अगर हैं तो कोई बात नहीं, चल जाएंगे, बट थोड़ा सा लाइक हार्ड है, थोड़ा एरिया जो है टफ है, पूरा पत्थर आप देख सकते हैं, नीचे ही देख सकते हैं पूरा, इसलिए मैंने पूरा क्लियर वीडियो निकाली हूँ। एक्चुअली मैं थी घोड़े के ऊपर, इसलिए इतना क्लियर वीडियो निकाल नहीं पा रही थी, तो इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। एंजॉयिंग कश्मीर, लिटरली एंजॉयिंग, वेरी नाइस। वाव गाइस, फाइनली हम पहुंच गए, कितना सुंदर जगह है ये जगह, हम लोग बहुत मजा कर रहे हैं। आइस में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इतना ज्यादा खेल रहे हैं, स्नोमैन बना रहे हैं, ये मैन बना रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सही जगह, आप भी विजिट करना। तो गाइस हम तो बहुत मजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हम तीनों के तीनों, मैं, मम्मा और पापा, कितने अच्छे से खेल रहे हैं। और मैं पापा को पता ही नहीं चला, मैं तो इतना बड़ा आइस का बॉल डाल दी हूँ पापा के कैप के अंदर, बट पापा को पता ही नहीं चला। अब जा रही हूँ मैं स्नोमैन बनाने। चलो ठीक है, बाय।